इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ है ना, आप जो पहले बोलते हो ना, जो बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रिज्यूमे है, उसके बाद इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज आपकी सही है तो चलो आपका इंट्रोडक्शन माफ हो जाएगा, बट आपका नॉलेज अगर थोड़ा बहुत आपको डगमगाते हो या फिर आप नॉलेज अच्छी है पर इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से बोल देते हो ना अपने बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि आपको हर स्टेज पर आपको पूछा जाएगा। हेलो गाइस, सो आज का जो ये वीडियो होगा, सो ये हमारा होगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप भाई कॉफ़ी पेन पकड़ो और रेडी रहो, जो जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ है ना, आप जो पहले बोलते हो ना, जो बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रिज्यूमे है, उसके बाद इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज आपकी सही है तो चलो आपका इंट्रोडक्शन माफ हो जाएगा, बट आपका नॉलेज अगर थोड़ा बहुत आपको डगमगाते हो या फिर आप नॉलेज अच्छी है पर इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से बोल देते हो ना अपने बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना, क्योंकि आपको हर स्टेज पे आपको पूछा जाएगा। आपके जब टेक्निकल पैनल आएगा वो भी आपसे पूछेगा, जब आपको एचआर कॉल करेगा फ़ोन वो भी आपसे पूछेगा, जब आपके सैलरी नेगोशिएट होगी वो भी आपसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा, आपका मैनेजर अराउंड होगा तो भी वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा। सो, अगर हर चीज़ हर पॉइंट पे हर स्टेप्स पे अगर इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो वो बहुत मेन होता है। तो आपको ना फोकसफुली देखना है कि आप क्या क्या चीज़ मेंशन कर रहे हो, क्या क्या चीज़ आप मेंशन नहीं कर रहे हो, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो, आप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप उस हिसाब से नोट बना लो और अपने हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके आप बिल्कुल उसको रट लो और उनके सामने बिल्कुल बोल देना, परफेक्टली बोलना, रुकना नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप उनको नोट डाउन करो और उसको प्रैक्टिस करो। आईने के सामने बैठो, दोस्त के सामने बैठो और उस चीज़ को बार 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 बोलते रहो, जिससे क्या होगा ना, आपको मतलब इंट्रोडक्शन जो है ना वो बिल्कुल रट जाएगा, और जब रट जाएगा ना तो वो सामने वाला तो पक्का पूछेगा, क्योंकि आप जिस भी इंट्रोडक्शन में मतलब इंटरव्यू में बैठो आपको इंट्रोडक्शन तो पक्का पूछेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप जितना अच्छे से बोलोगे ना आपकी वो सोचेगा कि आपकी लर्निंग भी काफ़ी सही है, प्लस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बहुत सही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो ये भी आप सही है कि अगर आप इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से बोलते हो तो वो भी समझेगा कि नहीं, किस बंदे में लाइक कैपेसिटी है, ये बात कर सकता है हमारे साथ, ठीक है। सो आप इंट्रोडक्शन सब अच्छे से बोलो। तो मैं यहाँ पर दो इंट्रोडक्शन दूंगा, एक फॉर फ्रेशर दूंगा, मैं दूसरा वीडियो नहीं बना रहा, इसी टॉपिक में कवर करता हूँ कि कितना टाइम नहीं हो पा रहा है। सो, फ्रेशर का एक्सपीरियंस मतलब इंट्रोडक्शन हम मैं पहले बोल दूंगा, आप नोट डाउन कर लो, जो भी आप फ्रेशर वगैरह हो या फिर कॉलेज से पास आउट हो, आप फ्रेशर एज अप्लाई कर रहे हो, सो आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो आपको क्या क्या चीज़ मेंशन करना है, और उसको नोट डाउन करने के बाद अपने हिसाब से अपने कॉलेज मार्क्स इन सब के हिसाब से आपको हल्का हल्का उसको चेंज करना है, बहुत ज़्यादा चेंज मत करना वरना पूरा ही चेंज हो जाएगा, और फॉर्मेट जो मैं बोल रहा हूँ उस फॉर्मेट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो मेन चीज़ जो है आपको फॉर्मेट बोलना है, क्या चीज़ बोलना है क्या चीज़ नहीं बोलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस पर। उसके बाद फिर मैं हम लोग एक्सपीरियंस का भी इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्योंकि अब मेरी एक्सपीरियंस भी हो चुकी है तो मुझे पता है कि कैसे देना है, और मैं एज ए टेक्निकल पैनल भी किसी किसी इंटरव्यू में एडिशनल टेक्निकल पैनल में भी देखा है मैंने कि कैसे बच्चे बोलते हैं और किन बच्चों का सिलेक्शन होता है। सो, इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया हो जाएगा और आप मतलब आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेशर का इंट्रोडक्शन से। सो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में सबसे आपको उनको वेलकम करना है, बाय गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है वो आपका हिसाब से चेक कर लो, सर हैं तो सर, मैम है तो मैम, सो गुड मॉर्निंग सर मैम, एंड आपको ना उनको थैंक्स करना है, सबसे पहले थैंक्स दो कि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग सर और मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो, इससे क्या होगा ना, एक उनको रेस्पेक्ट जा रहा है कि नहीं, बंदा मुझे सामने से थैंक यू बोल रहा है, उसको ऑफर दिया, ये एक तरह का ना एक मेंटल होता है कि हाँ सामने वाला जो बंदा वो एरोगेंट नहीं है, वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले ये दो लाइन आपको विश करना है और प्लस ये करना है, आपको अपना ये देना है, उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। सो, आप ऐसे स्टार्ट करोगे, सो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसके बाद आप, माई नेम इज बसंत कुमार दास, आई एम बेसिकली फ्रॉम ओडिशा, I completed my graduation from MPC Autonomous College with 73% marks, like ऐसे आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो आप एक फेस समझ लो, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, फिर थैंक्स देना है, फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो मैंने अपना नाम बताया है, कहाँ से हूँ आपको ये बताना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं चला जाना है, ये है मेरे फादर का नाम, ये है वो है, इतना नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनली वे में ही रखोगे। सिर्फ एक आइडिया देना है अपने बारे में, आपने नेम बोल दिया, माय नेम इज बोलना, माय सेल्फ बसंत कुमार दास मत बोलना, माय नेम इज बोलना, ठीक है। ये एक है, हम लोग माय नेम बोलते हैं, माय सेल्फ नहीं बोलते, क्योंकि ये एक तरह का इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक हम लोग करते हैं, माय सेल्फ जब हम यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसे बोलना है, माय नेम इज बसंत कुमार दास, आप अपना नाम लगा लो।
आई एम बेसिकली फ्रॉम ओडिशा, सो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो आप अपना अपना स्टेट का नाम यूज करो। लाइक कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आपको फिर ग्रेजुएशन के ऊपर करना है, फिर आपको अपने कॉलेज का नाम बोलना है या फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम बोलना है, विथ आपने कितना मार्क स्कोर किया है वो आपको बोलना है, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे जो चीजें हम लोग यूज करना चाहते हैं। अब जो मेन चीज है, हम लोग अपने स्किल्स के बारे में बताएंगे। आप अपने स्किल्स के बारे में बताओ, आप एक कोई टॉपिक पकड़ लो कि मैं इस चीज पे फाइन हूं, ठीक है। लाइक अब जैसे फ्रेशर क्या बोलेगा, यहां तक आपका फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए सेम है, फिर एक्सपीरियंस हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेशर यहां तक बोल दिया उसने, उसके बाद फिर वो ये बोलेगा कि आई हैव वर्कड, आई हैव दी नॉलेज टेक्नोलॉजीज, आप नोट डाउन कर लो, आई हैव दी नॉलेज विद द टेक्नोलॉजीज ऑफ जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, एल्गोरिदम्स, क्योंकि कॉलेज में ये सब पढ़ाते हैं तो आप ये सब बोल सकते हो, एल्गोरिदम्स एंड एक्सेट्रास। अब आपको मेंशन करना है इतने में से, अगर आप इतना बता दोगे ना तो वो सी, सी प्लस प्लस, जावा सबसे पूछेगा आपको। अब आपको जिस चीज में एक्सपर्टीज है, जैसे मेरे को जावा में एक्सपर्टीज है, तो मैं उनको ये जो पांच छह टॉपिक्स मैंने बताया, ये मैंने बता दिया कि मेरे पास नॉलेज इतनी है, अब मुझे इनको चार पांच लैंग्वेजेस से खींच के एक लैंग्वेज पे लाना है, तो मैं अब ऐसा बोलूंगा, एंड विद इन दिस लैंग्वेजेस आई हैव अ गुड एक्सपर्टीज एंड वर्किंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दी जावा साइड। आप ऐसे बोलते हो तो वो जावा साइड पे फोकस हो जाएगा, अब वो जो पीछे है ना वो छोड़ देगा, अब वो आपको जावा पे खींच लेगा, ठीक है। अब आपने यहां तक बोल दिया, सो अब आपको थोड़ा और इंप्रूव करना है। अब जो मेन मेन टॉपिक्स है ना, आप उनको पे पकड़ो, इन जावा आई, लाइक ऐसे बोलना है आपको, सो आप जावा पे खींचते हैं, आई हैव गुड एक्सपर्टीज इन जावा, उसके बाद फिर आपको बोलना है इन जावा आई हैव अ गुड नॉलेज एंड ए वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन हुप्स कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, लाइक दिस। आपको जो जो पढ़े हो, अगर जावा है, पाइथन है, आप अपने हिसाब से जो जो मेन मेन टॉपिक्स है, मेन मेन स्टार पॉइंट्स है, आप उनमें से चार से पांच पॉइंट्स ही मेंशन कर लेना, ठीक है। यहां पर आप खत्म कर सकते हो, उसके बाद फिर आप बोल देना, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता देना। सो इन माय लास्ट ईयर सेमेस्टर आई हैव वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट विथ माय टीम, लाइक विथ माय फ्रेंड्स, एंड आई हैव मेक अ टीम ऑफ थ्री और फोर मेंबर्स, फाइव मेंबर्स, आप जितने भी थे, एंड द प्रोजेक्ट नेम इज लाइक स्लैश स्लैश, आप जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम था आप यूज कर सकते हो, एंड इन दैट प्रोजेक्ट वी हैव मोस्टली यूज द जावा टेक्नोलॉजीज, आपने जावा पे खींचना है तो जावा टेक्नोलॉजीज पे बोलना है, ठीक है, एंड वी हैव यूज जावा टेक्नोलॉजीज। सो बेसिकली इट इज अ प्रोजेक्ट वेयर, आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लो, लाइक इट इज अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर लाइक मेकिंग अ वेबसाइट फॉर दी आवर कॉलेज, फॉर आवर कॉलेज वेबसाइट, ऐसा करके आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने कॉलेज पे किया था आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अब ये चीज आपका हो गया, आपका पहले आपने गुड मॉर्निंग वगैरह से आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन, अपने नॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब प्रोजेक्ट से आपको थोड़ा सा नीचे उतरना है, उसके बाद फिर आप यूज करेंगे, सो अब आपको थोड़ा उसको पर्सनल वे में, थोड़ा सा बस हल्का सा ही पर्सनल वे में लेना है। तो आप ये बोलोगे कमिंग टू माई फैमिली, आपको थोड़ा सा फैमिली के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि ये जो है ना टेक्निकल पैनल के लिए आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, ज्यादा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो मैनेजरियल राउंड वगैरह हो ना सबके लिए ये काम आ जाएगा, क्योंकि मैनेजरियल राउंड में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा देना पड़ता है। सो आप ऐसा बोलोगे कमिंग टू माई फैमिली, इट कंसिस्ट ऑफ फाइव, फोर आपके जितने मेंबर्स है आप बोल दो, माई फादर, मदर, सिस्टर, आंट एंड माई सेल्फ। सो ऐसा मेरी फैमिली ऐसी है, आपकी फैमिली जैसे भी तीन चार मेंबर की आप बोल दो, वन ब्रदर, ऐसा। और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, मेरे फादर का ये काम करते थे, मम्मी ये काम करते हैं, भैया ये काम करते हैं, तो इतना कुछ नहीं बोलना, बस यहाँ तक खत्म करना है। उसके बाद आपको हल्का सा उनको अपनी हॉबीज के बारे में बता रही है, क्योंकि कंपनीज में आजकल हॉबीज को बहुत मैटर किया जा रहा है, क्योंकि एडिशनल करिकुलर एक्टिविटीज आजकल कंपनीज में बहुत बढ़ गई है। देखो काम तो मेन है, बाकी इन सब चीजों में भी हल्का हल्का आपको अपना नॉलेज और उनको बताना है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कमिंग टू माई हॉबीज, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट एज वेल एज बैडमिंटन, आई एम ऑल्सो फिजिकली ट्रेनिंग माई सेल्फ। सो इससे क्या होगा ना, इससे एक हल्का हल्का आप ये भी हो रहा है। उसके बाद सो यस, आपको ऐसा ही बोलना है इन माई बोर टाइम। सो आप अपना नॉन वर्किंग टाइम्स में आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्टिव चीज है या कोई नॉन प्रोडक्टिव चीज करते हो, तो जैसे मैं ऐसे बोलता था, देख ये करते हो नहीं करते हो इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा ही बोल दो, ठीक है। आई एम लाइक इन माई बोर टाइम आई लव टू लिसन म्यूजिक एंड स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इज द बेस्ट पार्ट, ऐसा। उसके बाद आपको खत्म कैसे करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो ऐसा करो, और आपकी ये जो हो रही है क्या कहते हैं, आपकी जो इंट्रोडक्शन है ये इस पार्ट में बिल्कुल सही से कंप्लीट हो जा रही है। सो लाइक हम इस चीज पे डिस्कस करना, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पे मुझे लाइक फ्रॉम द रूट हमको डिस्कस करनी थी, मैं हर चीज को डिस्कस करना चाहता था, तो ये वीडियो ऐसे ही 10 मिनट की हो गई है। सो अब अगर मैं इस पे फिर लाइक एक्सपीरियंस वाला भी डालता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी 20 मिनट की वीडियो, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले में और ज़्यादा मुझे उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखो फ्रेशर ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर कर जाएगा, क्योंकि हमको उस पर और। सो
ये वीडियो फॉर फ्रेशर ही आ जाएगी, और इंट्रोडक्शन फॉर जो एक्सपीरियंस है, जो उनको कैसे बोलना चाहिए, इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो ला रहा हूँ। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो आप जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, आपके लिए एक न्यू वीडियो आ जाएगी। ये वीडियो आते ही कुछ दिन बाद आपके लिए एक न्यू वीडियो आ जाएगी। सो उस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। सो बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।